हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखेंगे कैसे हम लोग लैपटॉप में ऑटो टेक्स्ट सजेशन जो होता है उसको इनेबल कर सकते हैं। जैसे कि मोबाइल में जब टाइपिंग करते होंगे तो आपको उसमें दिखता होगा कि ऑटो टेक्स्ट सजेशन, मतलब कि जो भी आप लिखना चाहते होंगे वो आपको पहले सजेस्ट कर देता होगा। तो हम कैसे लैपटॉप में इसको इनेबल करेंगे वो मैं दिखाने वाला हूँ। तो उसके लिए करना कुछ नहीं है, आप देख रहे हैं यहाँ पे मल्टी लैंग्वेज का भी मेरे फीचर है, मतलब आप हिंदी में करेंगे तो हिंदी का भी दिखाएगा, इंग्लिश का भी दिखाएगा, और मतलब जैसा जिस लैंग्वेज में करेंगे उस लैंग्वेज में क्या होगा आपको यहाँ पे दिखेगा। तो कैसे करना है इनेबल, इसके लिए क्या करना, आपको आना है सर्च बार में और यहाँ पे सर्च करना है यहाँ पे टाइपिंग सेटिंग। तो यहाँ पे जैसे सर्च करने ये वाला पहला आपका ऑप्शन आएगा, उसके बाद क्या करना है आपको, ये दो चीजें को इनेबल करना होगा। ये वाला आप में हो सकता है डिसेबल हो तो इसको इनेबल कर देना है, और ये दूसरा ये भी है मल्टी लैंग्वेज टेक्स्ट वाला, ये होगा अलग अलग लैंग्वेज के लिए है तो इसको भी इनेबल कर देना। आप यहाँ तक केवल इसको भी इनेबल कर सकते हैं और ये को आप कर सकते हैं, मैंने क्या ये दोनों कर दिया ताकि अगर हिंदी और इंग्लिश दोनों में करूंगा तो मेरे को यहाँ फायदा होने वाला है। ठीक है, इसको इनेबल करने के बाद आपको क्या करना है, डायरेक्ट आपको आना है यहाँ पे विंडोज के आइकन पे, और यहाँ पे आने के बाद से आपको यहाँ पे रिस्टार्ट कर देना है। रिस्टार्ट नहीं करेंगे तो आपका काम नहीं करेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो जब यहाँ रिस्टार्ट कर देंगे फिर जो ओपन करेंगे उसके बाद आएंगे चैट जीपीटी पे या किसी भी चीज पे आएंगे, और यहाँ पे जब भी करेंगे तो आपको यहाँ पे सजेशन मिल जाएगा। यहाँ पे हाउ टू डू, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं यही मिलेगा केवल, अब यहाँ पे कुछ भी देखना चाहते हैं तो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे और फिर मान लो यहाँ पे लिख दिया मैंने हाय ऐसे कुछ करके तो मिल जाएगा। अब मैं चाहूँ तो इसको अलग लैंग्वेज में कर सकता हूँ, जैसे मान लीजिए मैं चाहता हूँ केवल हिंदी में ही ना हो इंग्लिश में भी हो तो मैं यहाँ पे ऐसे कर दूंगा, तो केवल मुझे इंग्लिश का ही सजेशन मुझे मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ देख रहे हाउ एवर आ गया, इसके बाद आपको बाई डिफॉल्ट सारे के सारे ए टू जेड सब मिलेंगे, मतलब एक एक स्टेप करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक आपको टेक्स्ट सजेशन दे देगा कि कौन गलत है कौन सही है, आपको इसको इम्प्रूव करने का फायदा मिलेगा। तो बाकी बस इतना ही था इस वीडियो में।